नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। आयत की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। उसने पहली कंडीशन दी है कि जो लंबाई और चौड़ाई है इसमें कितने का अनुपात है, 3:2 का, और इसके परिमाप और क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। तो इसकी चौड़ाई बताइए कि चौड़ाई कितनी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, जो लंबाई है और चौड़ाई है इसमें 3:2 का अनुपात है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो उसकी लंबाई है वह है 3x और जो चौड़ाई है वह है 2x, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब दूसरी कंडीशन कहा है उसने कि परिमाप और क्षेत्रफल, तो जो परिमाप है और क्षेत्रफल इसमें भी अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:9 दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परिमाप भागे क्षेत्रफल, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे ही होता है, और यहां लिख सकते हैं हम 5:9, ठीक है। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5/9, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई के हमने दोनों मान माने हैं, तो वो यहां पर हम रख देंगे। हमने लंबाई का क्या निकाला, लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x, नीचे 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर हो जाएगा 5/9, ठीक है। हमने यहां पर लंबाई और चौड़ाई का मान यहां पर जो माना था वह रख दिया। अब 3 और 2 5 होता है, 2 × 5x भागे 3 × 6x × x बराबर 5/9 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, इस x से ax कट जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा 10/6x बराबर 5/9। यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 5 में होगा तो 5 × 6 = 30x और 9 × 10 में होगा तो 90, एक्स बराबर हो जाएगा 90/30, 30 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। अब प्रश्न ने हमसे पूछा है कि आयत की चौड़ाई कितनी है, उसने हमसे चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई हमारी कितनी थी, चौड़ाई हमारी 2x थी, तो यहां चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई बराबर 2x, x की वैल्यू निकली है 3, तो 2 × 3 3 × 6 मीटर, ठीक है। तो यह हमारी चौड़ाई जाएगी बस। तो ऐसे आपको इसको लगाना है इस सवाल को, ये थोड़ी सवाल देखने में जरूर जटिल लग रहा है लेकिन करने में बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था, उसको एक्स लगा के लंबाई और चौड़ाई को मान लिया, फिर उसने परिमाप और क्षेत्रफल भी अनुपात में दिए थे, तो हमने उनको भी अनुपात के रूप में लिखा, अनुपात को बटे के रूप में बनाया, यहाँ परिमाप का सूत्र लगाया, यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, और आगे इन सब का मान रख दिया, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू 3 निकल के आ गई। प्रश्न ने हमसे सिर्फ चौड़ाई पूछी थी कि चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारी यहाँ से 2x थी, तो हमने 2x में 3 की वैल्यू रख दी, तो 6 निकल के हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।